जिला प्रशासन बिलासपुर ने ठंड से बचने के लिए राहगीरों व यात्रियों के लिए एक नई योजना बनाई है, जिसके तहत जगह जगह अलाव जलाए जा रहे हैं। जिला प्रशासन, रेड क्रॉस सोसाइटी व बिलासपुर प्रेस क्लब ने संयुक्त रूप से इसकी व्यवस्था की है। बिलासपुर बस अड्डा व ऑटो स्टैंड पर रोजाना अलाव जलाकर राहत पहुँचाई जा रही है। देर शाम उपायुक्त बिलासपुर राजेश गोयल ने बस अड्डे का निरीक्षण किया। जिला प्रशासन बिलासपुर ने ठंड से बचने के लिए राहगीरों व यात्रियों के लिए एक नई योजना बनाई है, जिसके तहत जगह जगह अलाव जलाए जा रहे हैं। जिला प्रशासन, रेड क्रॉस सोसाइटी व बिलासपुर प्रेस क्लब के संयुक्त रूप से इसकी व्यवस्था की है। बिलासपुर बस अड्डा व ऑटो स्टैंड पर रोजाना अलाव जलाकर राहत पहुंचाई जा रही है। देर शाम उपायुक्त बिलासपुर राजेश्वर गोयल ने बस अड्डे का निरीक्षण किया, जहां वे लोगों व यात्रियों से मिले। उन्होंने बताया कि लोगों को ठंड से राहत देने के लिए इसकी व्यवस्था की गई है, जिसका लोगों को भरपूर लाभ मिल रहा है। और उन्होंने बताया कि आगे भी इसी तरह से जिला भर में ये मुहिम चलाई जाएगी, जिसका यात्रियों को भरपूर सहयोग मिल सके और बस अड्डों पर बस का इंतजार करने वाले यात्रियों को ठंड का सामना न करना पड़े, इसके लिए ये योजना चलाई गई है। ये बिलासपुर टाउन में बहुत ठंड स्थल है, जैसे बस स्टैंड के पास या चौक के पास रेड क्रॉस सोसाइटी, प्रेस क्लब, सभी ने मिलकर और अन्य संस्थाओं ने कि एक प्रबंध किया है कि जो जैसे बहुत तड़के में सवारियां आती हैं बाहर से 3 बजे 4 बजे, या शाम को जो लोग लेट समय या उतर रहे हैं, या आसपास जो मतलब लेबर के माइग्रेंट लोग हैं, उनके लिए यहाँ पर सेकने की जो है व्यवस्था की गई है, लकड़ी जला के इतनी ठंड में, ताकि लोगों को थोड़ा भी। तो ये पहल की है यहाँ पे, और हमें आशा है कि इसको और बढ़ाएंगे और लोग हमसे जाएंगे।